आज हम हैं टपकेसर महादेव मंदिर के भाग टू पार्ट में, एपिसोड टू में। और ये जितनी भी गुफाएं बनी हैं ये नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। और जो यहाँ शिवलिंग है आगे चलकर वही मेन मंदिर है, और वो भी नेचुरल हैं, खुद से स्वयं स्थापित हुए हैं। ये किसी किसी ने स्थापित यहाँ नहीं किया है। और ये जितनी गुफाएं हैं ना, ये 6,500 वर्ष पुरानी है। और यहीं कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोण के द्वारा यहाँ शिक्षा मिली थी। धनुष विद्या, धनुर्विद्या यहीं से मिली थी। किसी जमाने में वो लोग इन्हीं क्षेत्रों में घुमा करते होंगे। और देखिए आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, बातें करते हुए कि जैसा कि मैंने बताया था कि इतना बहाव तेज है और इनके कारण गुफाएं चल बन रहे रही हैं। हैं ये और नीचे नीचे भी रास्ता है, तो हम अब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इतने सुंदर दृश्य को और ऐसा ये देखकर मन नहीं कर रहा है जाने का। यहाँ से भी रास्ता है। तो ये देखिए, जैसे मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं ना गोल, वैसे ही इस मंदिरों को ना गोल आकृति में बनाया गया है और पुलों से जोड़ा गया है। तो आगे हम जाएंगे वैष्णो देवी माता गुफा और करेंगे दर्शन माता के। पानी यहाँ तक आया है, ये सब गिरे जो रास्ता हुआ, ये बहुत स्लिपरी बना हुआ है, बहुत संभल कर चलना हो रहा है, बहुत पानी है। और आगे जो पुल है वो तो मुझे थोड़ा डेंजरस लगा, और इसको ज़रूरत है, मतलब इनको बनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ इतनी भारी बारिश होती है, ये टूटता रहता है और बहुत से श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। और आगे एक जो है मैंने देखा वो पुल टूट भी गया था, जो पहले मंदिरों को जोड़ता था आपस में, जो मतलब एक शॉर्टकट हुआ करता था, और वो लोहा का पुल है तो वो टूट गया है। तो इनको ना जरूरी है मरम्मत करवाने की टाइम टू टाइम। ये हम आगे बढ़ रहे हैं और दिलों की धड़कन तेज हो रही है। जय माता दी, जय माता दी, सबके दुख को हरिए। और ये हनुमान गुफा मंदिर, और सारे कष्ट सबके हरिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए, यही करते हुए कहते हुए मैं आगे जा रही हूँ। और ये कितना सुंदर दृश्य है, देखिए ये कान्हा उठाए हुए हैं पर्वत को और सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। और बहुत ऐसे ही आगे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो देखिए। और यहाँ बहुत कबूतर भी रहते हैं, देखिएगा आगे। ये गुफाओं से यहाँ पानी की बूंदें टपक रही है, पहले इससे टपकती थी दूध, और ये ये अब गुफा पानी है। की बूंदें बन के रह ये गई है। मैनमेड नहीं है, ये जाहिर है नेचुरल कलयुग है। जो आ गया है। हाँ, और ये कितनी उत्तराखंड में वैसे सुंदर ये सब असली महालक्ष्मी ही और मिलेगा। विष्णु जी। कहाँ दीदी? हाँ ना, दो तीन ये घर बाइक दी के ना। प्रकृति गुफा, माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर। देखिए जरा पूरा गीला हो रखा है। हाँ, ये गीला हो रखा है। गोलू जी अंदर चले गए। अरे नहीं, ये पूरा आगे नहीं जगह है। हाँ हाँ दिख तो रहा है, अब वहां बैठना पड़ेगा ना। अच्छा माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। और ये है माता रानी, इनके दम से ही, इनके आशीर्वाद से हैं हम सब। और आगे बढ़ते हुए गुफा से और भी बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत सारी जो मंदिरें हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो ये देखिए, दर्शन कर लीजिए माता की, और जय माता दी। Thank you.
लेकिन मुझे लगा कि मैं आज चली गई, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का एंड करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। ये साढ़े छः हज़ार को देख कर, और यहाँ कनकन में भक्ति है, ये देखिए ये बिल्ली भी, और आगे, और जो इस बिल्ली का व्लॉग मैंने बनाया था ये भक्ति कर रही है, और इसका जो पार्ट फर्स्ट है, इस ये दोनों को मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।